ये आपको आलमगंज पुलिस फारी, ये जगह का नाम है, ये चौरस्ता है और यही सामने वो राइस मिल के तरफ रोड जाता है जिसका अभी आप वीडियो देखेंगे। और ये हो गया आपको बर्दवान में, बर्दवान स्टेशन आप उतरते हैं रेलवे स्टेशन तो वहाँ से 3 किलोमीटर ये प्लॉट आपको देखने को मिलेगा। और ये जब बर्दवान आएंगे अगर अपना गाड़ी से तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आलमगंज पुलिस फाड़ी लोकेशन मारेंगे, हम आपको लोकेशन सेंड कर देंगे, उससे आप आ सकते हैं। ऐसे आप किसी और रेलवे से आते हैं तो आपको बर्दवान स्टेशन उतर के बाहर निकलेंगे आपको, तो आप बाहर निकलने के बाद एक ब्रिज मिलेगा, ब्रिज पार कर जाइएगा सीधा तो आपको टोटो मिलेगा आलमगंज पुलिस फाड़ी के लिए। उस टोटो से हम आए हैं, यही रोड आ रही है स्टेशन से, यहाँ आकर के टोटो आपको छोड़ देगा आलमगंज पुलिस फाड़ी पे, 3 अल्ली है और यहीं से आपको सीधा आगे प्लॉट पे जाना होगा राइस मिल। तो अभी थोड़ा देर में आप वीडियो देखेंगे उसका और आपको स्टेशन का भी हम वीडियो बना देंगे कहाँ से आपको टोटो लेना है। हाँ हाँ इधर ठीक। हेलो फ्रेंड्स, जो आपको बोले थे कि बर्दवान का जो इंडस्ट्रीज एरिया में जो राइस मिल बंद पड़ा हुआ है उसका वीडियो हम आपको शेयर करेंगे, वो यही प्लॉट है आलमगंज पुलिस फाड़ी के जस्ट बगल में ही है ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ दीवार तक के और जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, हाँ ये पूरा इस तरह का देख रहे हैं, ये फैक्ट्री के सटे हुए इस तरह का आगे में रोड है, रोड पे भी जा कर के हम आपको दिखाते हैं। ये 8 बीघा है करीब, इसका इधर से इसका हो जाएगा, हाँ इसका चौड़ाई कर भी इधर से हो जाएगा 200, लगभग 200-250 फीट करीब हो सकता है ये लेंथ, और 8 बीघा का है जो यहाँ पे बंगाल में 720 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। ये मिडिल सेंटर से हम आपको वीडियो बना रहे हैं, आपको मेन रोड का वीडियो अभी शेयर करते हैं। ये क्या चीज़ का फैक्ट्री हो? राइस मिल है। वो भी राइस मिल है जो सामने आपको दिख रहा है और चारों तरफ का लोकेशन देख लीजिए। और जो जैसा कि बोले कि रोड, ये रोड हो गई, सामने से रोड आ रही है, इसमें मालूम किए हैं तो हाईवा वगैरह जो है आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रोड से अटैच यहाँ पे 3 अल्ली, एक रोड इस राइस मिल के तरफ जा रही है, एक रोड ये प्लॉट को करके आलमगंज पुलिस फाड़ी जाता है, ये भी जाएगा। हाँ हाँ यही प्लॉट हो गया, राइस मिल बाउंड्री है, पहले राइस मिल हुआ करता था उसका बाउंड्री है। प्लॉट हो गया और ये रास्ता हो गया, ये रास्ता थोड़ा पतला है पर ये रास्ता ठीक है, ये भी आलमगंज पुलिस फाड़ी चले जाएगा, हाँ वो भी हाईवे पर निकल जाएगा, हाईवे भी करीब में है। यह जो आप देख रहे हो प्लॉट है, ये पूरा है ना, हाँ जो लड़का लोग क्रिकेट खेल रहा है वो सब ले करके है आगे पूरा दीवार तक।
यहाँ से आपको प्लॉट पूरा दिखेगा। वही दीवाल तक के प्लॉट है, वहाँ से लेकर के और ये लड़का लोग खेल रहा है उसका और पीछे तक प्लॉट है। इधर वाला रोड थोड़ा पतला है, ये देख लीजिए चारों तरफ मकान बना हुआ है सब। आलमगंज पुलिस फाड़ी और ये हो गया राइस मिल हुआ करता था, ये जगह का नाम भी आलमगंज ही है, आलमगंज बोलता है इस जगह को। और काफ़ी ऊंची ज़मीन है, मिट्टी भरने का ज़रूरत नहीं है। और ये आठ बीघा ज़मीन है। दो आदमी लिखेंगे ना इसमें, दो आदमी लिखेंगे ना जिनके नाम से वो जीवित है, दो महिला के नाम है ना, हाँ दो आदमी लिखेंगे। और इसका आप जब चाहे मीटिंग कर सकते हैं, इसका लोकेशन आपको हम सेंड करते हैं। यही हाफ किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको हाईवे मिलेगा इसी रोड से, इसी रोड पे जाएंगे हाफ किलोमीटर आगे बर्दवान कोलकाता हाईवे मिलेगा। और इधर इधर आपको आलमगंज पुलिस फाड़ी, ये भी मतलब मुश्किल से 400 मीटर पे है ये, और इसी से ये रास्ता अंदर गया है। बड़ी गाड़ी चली जाएगी और जस्ट 50 मीटर पे अपना जो प्लॉट का वीडियो देखे हैं वो है 10 मीटर पे। तो बेहतर लोकेशन है, बर्दमान स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी है इसका, और हाईवे से मुश्किल से हाफ किलोमीटर प्लॉट तक पहुंचेंगे तो 1 किलोमीटर मान के चलिए इसका दूरी है। और आसपास जो लोकेशन देख लीजिए, अच्छा लोकेशन है। ये आपको बर्दमान स्टेशन हो गया, बर्दमान जंक्शन जो सामने दिख रहा है आपको। और यहीं से जब आप रेलवे से आएंगे ट्रेन से, तो यहीं से बाहर निकलने के बाद आपको ये पुल मिलेगा, पुल के अंदर से आप उस पार हो जाइएगा, हम सामने सामने, तो आपको उस पार से टोटो मिलेगा जिसको आलमगंज फाड़ी बोलिएगा तो आपको पहुंचा देगा। अब इस फाड़ी के बगल में ही ये प्लॉट है, ये भी एक हाईवे है। इसका मेन जो हाईवे है वो आपको प्लॉट से करीब 700-800 मीटर आगे जाने पे हाईवे है। जब वो हाईवे से आप अगर फोर व्हीलर से आएंगे तो आपको इंडस्ट्रीज एरिया आलमगंज फाड़ी हम लोकेशन सेंड कर चुके हैं, उस लोकेशन से आप प्लॉट पे आ सकते हैं। यहीं से 3 किलोमीटर पड़ता है आलमगंज फाड़ी, जो प्लॉट है जो वीडियो आप देखे हैं, रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर के दूरी पे है इंडस्ट्रीज एरिया। आप देख लीजिए चारों तरफ।